फ्रेंड्स, आज मगध यूनिवर्सिटी में प्रशासन की अव्यस्तता के कारण जो छात्रों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है, मैं उसी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और उत्तराखंड से संबंध रखता हूँ, लेकिन एक छात्र होते हुए मैं समझ सकता हूँ कि छात्रों का दुख, छात्रों की मेहनत को अगर इस तरीके से प्रशासन बर्बाद करता है तो उसकी कीमत क्या है और उसकी उससे कितनी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। एक साल किसी बंदे की डिग्री को आप पीछे कर देते हैं, आप लोकसभा के चुनाव करा सकते हैं, आप विधानसभा के चुनाव करा सकते हैं, आप उपचुनाव करा सकते हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, दिन रात में आप नोटबंदी करवा सकते हैं, सारे फैसले आप ले सकते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के चुनाव करवाने में, एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम कराने में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हमारे देश में युवाओं का ये हाल है, छात्रों का ये हाल है, तो फिर किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा? किस तरीके से आप कहते हैं कि युवा है तो कल है, इस तरीके से इसके खिलाफ मैं मगध यूनिवर्सिटी को और उनके छात्रों को अपना पूरा सहयोग देता हूं और प्रशासन जो कि बहरा हो चुका है उसको सुनाने के लिए इस तरीके के प्रयास करने की बाकी छात्रों से भी अपील करता हूं। धन्यवाद।